हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट लगा रहे थे। ये सभी मॉक टेस्ट आपके IAS फिर कोई चाहे स्टेट PCS हो, उन सभी के प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इस तरह के अभी तक हम लोग 58 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 59वां टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 59वां टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलन घाटी में प्रागैतिहासिक काल में की तीनों अवस्थाओं के अवशेष मिलते हैं। सही बात है। बोर्जहोम में आदिम लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। ये भी आपका सही है। पुरापाषाण स्थल मुख्य रूप से सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। तो इसमें एक और दो सही है, तीसरा गलत है। और इसमें पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए, इस पॉइंट को आप लोग हमेशा अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से आते हुए क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो इसमें आपका एक दो सही है और तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है, आखिर उसे भी देख लेते हैं। देश के अनेक पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पुरापाषाण स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा नदी के जलोढ़ मैदानों में ये अनुपस्थित हैं। संभवतः इसका कारण कृषि के ज्ञान और नदी के पास पानी की उपलब्धता का अभाव था। जो आपका बोर्जहोम था, ये आपका कश्मीर में स्थित है, नवपाषाण स्थल। ठीक है, और बेलन घाटी की बात करें तो विंध्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में ये स्थित थे आपका। ठीक है, तो इसमें आपका था एक और दो कथन सही था, तीसरा गलत था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित जो सिंधु घाटी के स्थल दिए गए हैं, इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है हमें। तो इसमें आपका पहले सूतकांगे डोर आएगा, फिर आएगा आपका कोट दीजी, यानी कि पहले दो, फिर उसके बाद तीन, फिर उसके बाद आपका लोथल आएगा चार, फिर सॉरी यानी कि एक, और फिर आएगा आपका कालीबंगा चार, यानी कि इसका सही क्रम होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा कूट सही है, 2 3 1 4, यानी कि डी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सड़कों और गलियों का निर्माण ग्रिड पद्धति में किया गया था इस समय, बिल्कुल सही है। एकांतता और निजता को महत्व देते हुए घरों को अभिकल्पित किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अन्नागारों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, ये आपका गलत होगा। क्या होगा, ये गलत होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में आपका दो एक दो कथन सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है, इसे भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत आपकी अन्नागार की है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत आपकी अन्नागार की है। इन अन्नागारों का उपयोग अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए किया जाता था। किसका, अन्नागारों का उपयोग अनाज के सुरक्षित भंडार के लिए किया जाता था। अनाज का संग्रहण संभवतः राजस्व के रूप में अथवा आपात स्थितियों में उपयोगिति हेतु किया जाता था। तो इसमें क्या है, अन्नागारों का उपयोग अनाज के सुरक्षित भंडार के लिए किया जाता था। और इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक दो सही है, तीसरा आपका इसमें गलत था। फिर से बोल रहा हूँ, इस कथन को आप लोग हर समय पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से कई बार गलत क्वेश्चन हो जाते हैं आते हुए हमें। अब अगर इसी में पूछता कि सही नहीं है, तो क्या होगा, केवल तीन कथन होता,
और इसमें पूछा है सही है तो एक दो कथन सही था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 4। भारत में विदेशी ट्रिब्यूनलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल विदेशी ट्रिब्यूनलों को ही वैध आप्रवासियों को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। सही है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों देश में FTA स्थापित कर सकती हैं। ये भी सही है, केवल राज्य प्रशासन ही किसी व्यक्ति के विदेशी होने के संदेह के आधार पर उसके विरुद्ध FTA में जा सकता है। ये आपका गलत है। क्या है तीसरा कथन आपका गलत है क्वेश्चन नंबर 4 में? याद रखिए, विदेशी अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना विदेशी नागरिक अधिनियम 1940 के तहत की गई थी। ठीक है, और वर्ष 2019 में संशोधित विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण आदेश में किसी व्यक्ति को न्यायाधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें पूर्व केवल राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध के विरुद्ध विदेशी अधिकरण में याचिका दायर कर सकता था। ठीक है, यह संशोधन असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम प्रारूप की पृष्ठभूमि में आया। 31 अगस्त 2019 को जारी NRC की अंतिम सूची में जिन व्यक्तियों का नाम शामिल नहीं है वे इसके विरुद्ध न्यायाधिकरण में भी जा सकते हैं। संशोधित आदेश जिलाधिकारियों को यह अनुमति प्रदान करता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने NRC के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है उनके मामले को वह तय कर सकता है कि विदेशी व्यक्ति विदेशी है या फिर नहीं। इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका 1 और 2 सही था, तीसरा गलत था, तो यानी कि ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 5वां। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले शब्द रंगोली चित्त कथी कला किससे संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो यह है आपकी महाराष्ट्र से। चित्त कथी चित्रकला की एक अनूठी शैली है जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित पिंगुली गांव में 17वीं शताब्दी से प्रचलित है। यह आदिवासी कला है जिसका अभ्यास महाराष्ट्र के ठाकर जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा 6वां। क्या है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। प्रत्येक सैनी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होता था और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। गलत है, सैनी वेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। ये आपका सही है, सैनी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका केवल एक कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्राचीन काल में व्यवसायिक एवं शिल्पकारों ने अपनी सुरक्षा तथा व्यापारिक उन्नति के लिए अपने अपने संगठन बनाए। ऐसे संगठन व्यापारी समूह को सैनी पू निगम के नाम से जाना जाता था। ये सैनी विभिन्न व्यापारिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वतंत्र एवं क्रियाशील संस्था के रूप में इन संगठनों ने तत्कालीन आर्थिक जीवन को ही नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया है। इन संगठनों को राज्य की तरफ से भी सहायता मिलती थी लेकिन उनके कामकाज में राजा की कोई भूमिका नहीं होती थी। सैनी का अनिवार्य रूप से प्रशासनिक प्रमुख राजा नहीं होता था। शिल्पी और व्यवसायी अपनी सैनी के मुखिया के अधीन संगठित थे, उनके हितों की रक्षा करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वें में आपके 2 और 3 कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। बात करते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धातु के सिक्के के उपयोग का के कारण व्यापार में वृद्धि हुई। गलत कथन है, सैंधव लोग मंदिरों में रखे देवताओं की पूजा करते थे। ये भी आपका गलत है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाव बनाने बनाना जानते थे, ये आपका सही है। बालाकोट सिंधु घाटी सभ्यता के तटीय शहर थे, ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 1, 2 कथन गलत है, तीसरा और चौथा कथन आपका सही है। तो बात करते हैं कि आखिर 1 और 2 कथन में सही क्या हुआ। तो याद रखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अन्नागारों की उपलब्धता, कई मोहरों की उपस्थिति, एक सामान लिपि और मानकीकृत मापतौल तथा बाट की व्यवस्था इस तथ्य की पुष्टि करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार समृद्ध और विकसित अवस्था में था। हालांकि वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, वे वस्तु का विनिमय के माध्यम से सभी आदान प्रदान करते थे। ठीक है, विनिमय का मतलब यहाँ लगा सकते हैं आप लोग कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदना। ठीक है, और दूसरा कथन जो आपका गलत है इसमें सही होगा कि हड़प्पा में स्त्रियों की कई टेराकोटा निर्मित मूर्तियां मिली हैं। एक मोहर पर पुरुष देवता पशुपति महादेव को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा देवताओं के रूप में किया करते थे। हालांकि वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनवाते थे। सिंधु सभ्यता में मंदिरों के प्रचलन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। तो आपका 3 और 4 सही था, यानी कि डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 8। अशोक के निम्नलिखित बेहद शिलालेखों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला आपका सहबाजगढ़ी आएगा, यानी कि 4। फिर आएगा आपका कालसी, यानी कि 1। फिर आएगा आपका गिरनार, यानी कि 2। फिर आएगा आपका सन्नति, यानी कि 3। तो इसमें आपका 4, 1, 2, 3 इस तरह से व्यवस्थित क्रम होगा इनका। याद रखिए कि इनके शिलालेखों में कुछ वर्णन मिलता है, उनके बारे में जान लीजिए। जो आपका बेहद शिलालेख 1 है, इसमें पशुओं, इसका विषय था पशुओं के वध और उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध, पूछ लेता है कई बार। तो बेहद शिलालेख में क्या वर्णन था, पशुओं के वध और उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध। जो आपका बेहद शिलालेख 2nd था, दूसरा, इसमें वर्णन था कि मानव और पशुओं के लिए देखभाल की व्यवस्था। इसमें दक्षिण भारत के चोल पांडव, सत्यपुत्र और केरल पुत्र राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। शिलालेख 3 में राज्य प्रशासनिक अधिकारियों जैसे राजकों, युक्तों आदि द्वारा धम्म नीति का प्रचार, ब्राह्मणों, संबंधियों, माता पिता आदि की प्रति उदारता। बेहद शिलालेख 4 में वर्णन है भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का प्रसार। बेहद शिलालेख 5 में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, दासों के साथ उचित व्यवहार। बेहद शिलालेख 6 में, यानी कि 6वें में, राज्य प्रशासन संबंधी मामलों में सूचित करने की राजा की शक्ति का उल्लेख और जनकल्याण। बेहद शिलालेख 7 में, यानी कि 7 में, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। बेहद शिलालेख 8 में अशोक की बोधगया और बोधि वृक्ष की यात्रा। शिलालेख 9, यानी कि 9 में, अनावश्यक समारोहों की निंदा। बेहद शिलालेख 10 में अनुसूचित साधनों से प्रसिद्धि और गौरव प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की निंदा। शिलालेख 11 में धम्म की व्याख्या। शिलालेख 12 में धार्मिक सहिष्णुता का पर सर्वधर्म संभाव। बेहद शिलालेख 13 में अन्य राजाओं पर अशोक की विजय का उल्लेख। और बेहद शिलालेख 14 में देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों को स्थापित करवाने का उल्लेख। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इसमें 4, 1, 2, 3 इस तरह से व्यवस्थित था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। बात करते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही
नहीं है। देखिए इस तरह से पूछता है, क्या पूछा है? वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना में सबसे छोटी इकाई थी, ये आपका गलत है। प्रमुखों को लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता था, ये आपका सही है। प्रजा द्वारा राजा को बलि नामक कर का भुगतान करना अनिवार्य था, ये आपका गलत है। समाज में वर्ण आधारित कठोर सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका एक दो सॉरी एक तीन चार से गलत है, दूसरा कथन केवल आपका सही है। क्या है? दूसरा कथन केवल सही है। आखिर इसमें सही क्या हो गए उसे भी देख लेते हैं, यानी कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक जो आपका काल है, राजनीतिक संरचना का आरोही क्रम निम्नलिखित प्रकार का था। पहले परिवार जिसे कुल बोला जाता था, ग्राम ग्राम, कबीले विश, प्रजा जन, देश राष्ट्र। इसमें कुल जो थी परिवार सबसे छोटी इकाई थी, जिसमें एक ही छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। कई कुलों के समूहों से आज की तरह का एक ग्राम बनता था। इसके मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीण। उससे बड़ा समूह विश था, जिसका प्रधान बृहस्पति कहा जाता था। जन विश से बड़ी इकाई होती थी, याद रखना। जन के संदर्भ में यदुओं तथा भरत जनों का उल्लेख मिलता है। राजा को जन का रक्षक भी कहा जाता था। कई जन से मिलकर राष्ट्र अर्थात देश बनता था। राजा का पद सामान्यतः अनुवांशिक होता था, लेकिन कहीं कहीं राजा के चुनाव का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे गण प्रमुखों का भी उल्लेख मिलता है जो जनसभा द्वारा लोकतांत्रिक रूप से राजाओं को चुनते थे। राजा को बलि यानी कि राजस्व या भेंट दी जाती थी। राजा को बलि अपनी प्रजा से तथा विजित जनों से प्राप्त होती थी। राजा इसके बदले में प्रजाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं थी। ठीक है, लोगों के द्वारा व्यवसाय अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार अपनाए जाते थे इस समय, ना कि जन्म अनुवांशिक आधार पर। एक ही परिवार के लोग अपनी इच्छा के और योग्यता के अनुसार अलग अलग व्यवसाय अपनाते थे और अलग अलग वर्णों के सदस्य बन जाते थे। समाज में वर्ण व्यवस्था का कठोर स्वरूप विचलन में नहीं था बिल्कुल भी। ठीक, तो इसमें पूछा था सही नहीं है, तो इसमें आपका एक तीन चार कथन सही नहीं था, केवल दूसरा कथन सही था। बात करते हैं दसवें क्वेश्चन की। दसवां क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। ऋग्वेद कालीन आर्य युद्ध में कवच और सिर स्त्रावण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम और लोहे का ज्ञान था, ये आपका गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो आपका तीसरा कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक और तीन सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरे में सही क्या होगा? तो याद रखिए, वैदिक युग में लोहे के प्रयोग का संकेत मिलता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ताम्र पाषाण काल का भाग थी। इससे यह जानकारी मिलती है कि हड़प्पावासी लोहे के बारे में नहीं जानते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है आपको, तो इसमें आपका सी सही था, यानी कि एक और तीन कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 11। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें, निम्नलिखित युग्मों पर
विचार करना है और इन्हें सही सम्मिलित चुनना है। महाजनपद, ये आपके महाजनपद हैं और वर्तमान अवस्थिति। अंग, भागलपुर सही है। कंबोज, कश्मीर गलत है। अस्मक, मथुरा गलत है। मत्स, ये आपका भरतपुर, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है, क्योंकि जो कंबोज था, क्या जो कंबोज था, ये पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला था। कहाँ था? पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। और जो अस्मक था, अस्मक ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था, जिसकी राजधानी थी पोटन। ठीक है, याद रखना है। तो इसमें आपका 11 में 1 और 4 था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 12। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं, गुफाओं का निर्माण मौर्य काल के दौरान किया गया था? बाकी गुफाओं का नहीं, 12 बराबर की गुफाओं का ये सही है, एलोरा की गुफाओं का ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका सही होगा 2, केवल 2। बाकी जो गुफाएं हैं ये आपकी मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित 6वीं शताब्दी के आसपास विकसित 9 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है, या वास्तुशिल्पी की दृष्टि से अजंता की गुफाओं के समान ही है। वो जो आपकी बराबर गुफाएं हैं ये बिहार में गया से 24 किलोमीटर उत्तर में बराबर की पहाड़ियों पर स्थित हैं। ठीक है, इनका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और एलोगुरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र में, यह 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें 17 आपकी ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 13। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी आपका गलत है। तो 13 में केवल 2 आपका सही है। सिंधु घाटी स्थलों पर उत्खनन से यह जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासियों ने बड़े स्मारक ढांचों का निर्माण कभी नहीं किया था। यह महलों या मंदिरों या राजाओं, सेनाओं या यहाँ तक कि पुजारी वर्ग के कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिलते। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल में पाए गए विशाल भवन अन्नागार भंडारण में भंडारागार माने जाते हैं। ठीक है, उत्खनन के विभिन्न चरणों के दौरान प्राप्त मिट्टी के मोहरों पर एक पुरुष देवता की उपस्थिति जानकारी मिलती है। खुदाई में मिली एक स्त्री की मूर्ति भी स्रोत के रूप में देवी पूजा की पुष्टि करता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी, लिंग योनि, वृक्ष, पशु आदि की पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, याद रखिए। तो 13 में आपका केवल 2 कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में की जाती है, सही है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का कम से कम 30% भाग विनिर्माण इकाइयों के लिए समर्पित होना चाहिए, ये भी आपका सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। जब यह आपका राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपका सही है। तो इसमें आपके तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी होगा।
क्योंकि तीनों कथन आपके सही हैं। पूछा था इसमें कि सही कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, समाचारों में देखा गया प्रोजेक्ट मानव किससे संबंधित है? तो ये आपका भारत द्वारा प्रस्तावित पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गलत है। मानव शरीर के प्रत्येक ऊतक के मानचित्रण की परियोजना है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दूसरा कथन यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा अगला 16, उत्तर वैदिक काल में विचलित उपनयन संस्कार क्या दर्शाता है? व्यक्ति की शिक्षा प्रारंभ होना। 16 में आपका डी होगा, क्या हुआ है 16 में डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 17, उत्तर वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द निष्क और सतमान क्या दर्शाते हैं? ये आपके दर्शाते हैं मुद्रा की इकाइयां। वैदिक काल में दो प्रकार की धातु की मुद्राएं प्रचलित थी, उनमें से एक थी आपकी हिरण्य पिंडा के रूप में जाना जाता था, दूसरे को निष्क कहा जाता था जो वास्तव में एक सोने का सिक्का होता था। क्वेश्चन है हमारा 18, सिंधु घाटी सभ्यता में समन शब्द का निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया गया था? जादुई और उपचार शक्ति रखने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में ए होगा। क्वेश्चन हमारा 19, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दीर्घ निकाय, भगवती सूत्र, अगुंतर निकाय, तीनों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके तीनों होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इसमें क्या होगा 19 में सी डी तीनों। क्वेश्चन हमारा 20, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सी होगा। तो चलिए ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के टेस्ट हम लोग और भी अभी आगे लगाएंगे, ठीक है।